धे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत में सेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इस अवसर पर 15 जनवरी 2022 को विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण पिछले वर्ष लेह में किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3 या फिर डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख 15 जनवरी 1949 को बने थे और इसीलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की याद में इंडियन आर्मी डे मनाती है। के एम करियप्पा ने भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस बूचर का स्थान लिया और स्वतंत्र भारत में इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने। इस अवसर पर 15 जनवरी 2022 को विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग का अनावरण पिछले वर्ष लेह में किया गया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। महान प्राचीन संत तिरुवल्लूर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, मामल्लपुरम में छोटे चट्टानी द्वीप पर संत तिरुवल्लूर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बी, उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना की गई है। सी, वो तमिल कवि और संत थे जिन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता था। या फिर डी, तिरुवल्लुवर को दक्षिण का कबीर भी कहा जाता है। इसका उत्तर है ए। आज यानी 15 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस पर महान संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है या तमिल का कबीर भी इन्हें कहते हैं। शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन सहित हर मत को मानने वाले लोग तिरुवल्लुवर को मानते हैं और उन्होंने संन्यास को महत्व नहीं दिया था। उनका मानना था कि कोई भी इंसान गृहस्थ रहते हुए भी भगवान में आस्था के साथ पवित्र जीवन जी सकता है। संत तिरुवल्लुवर ने लोगों को जीने की राह दिखाते हुए छोटी छोटी कविताएं लिखी थीं जिनको इकट्ठा कर तिरुकुलर ग्रंथ में लिखा गया है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल या कुरल तमिल भाषा की एक प्राचीन कृति है और उनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का माना जाता है। वैसे उनके जन्म तिथि को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। तिरुकुलर ग्रंथ के 133 अध्यायों को ध्यान में रखते हुए कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक के पास छोटे चट्टानी द्वीप पर संत तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस स्टैच्यू की वास्तविक ऊंचाई तो 95 फीट है लेकिन ये 38 फीट ऊंचे मंच पर है। 1979 में इस स्मारक के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने आधारशिला रखी थी लेकिन इसका काम शुरू न हो सका था और सन 2000 में ये स्मारक जनता के लिए खोला गया था। संत तिरुवल्लुवर मानव धर्म के प्रति आस्था के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, स्वतंत्रता समानता के मूल्य दिए। इनके ग्रंथ तिरुकुलर में कबीर की तरह सदाचार, प्रेम, आनंद और एकता के बारे में बताया गया है। इस तरह उनके और कबीर के जीवन मूल्य एक ही तरह के थे। इन दोनों संतों को हर धर्म और हर मत को मानने वाले लोग मानते हैं, इसलिए तिरुवल्लुवर को भी दक्षिण का कबीर कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत में डॉपलर मौसम रडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में पृथ्वी विकास मंत्रालय द्वारा लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। दूसरा, इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग नेटवर्क में रडारों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, न तो 1 नहीं 2। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं।
हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं और उसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के 147वें स्थापना दिवस के अवसर पर लेह मुंबई दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम राडार राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आज के उद्घाटन के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग नेटवर्क में राडारों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पास 1864 में कलकत्ता से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात की पृष्ठभूमि के साथ ही 1866 और 1871 में मानसून की विफलता के कारण पड़े अकाल के बाद 147 वर्ष पूर्व 15 जनवरी 1875 को इस विभाग की स्थापना के बाद मौसम और जलवायु रिकॉर्ड बनाए रखने, मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी करने की विरासत है। अपनी स्थापना के बाद इन 147 वर्षों के दौरान इस विभाग ने मौसम संबंधी खतरों के खिलाफ और देश के आर्थिक विकास के लिए भारतीय जनमानस की सुरक्षा और भलाई के लिए काम किया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत में स्टील उत्पादन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, देश में इस्पात की लागत में 40-42% कोकिंग कोल का योगदान है। दूसरा, दुनिया में भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा, भारत के इस्पात मंत्रालय और अमेरिका के इस्पात मंत्रालय के बीच 14 अक्टूबर 2021 को इस्पात निर्माण के लिए धातु कर्म कोयला यानी कोकिंग कोल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3 या फिर डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है ए, यानी 1 और 2 सत्य हैं। हाल ही में इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने उद्योग से पर्यावरणीय लक्ष्यों और लागत में कमी को प्राप्त करने के लिए कोकिंग कोल की खपत को कम करने का आग्रह किया है। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक स्टील सेक्टर ने क्रूड और फिनिश्ड इस्पात के उत्पादन और निर्यात में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस अवधि में क्रूड इस्पात का उत्पादन 87 मिलियन टन हुआ है। इस्पात की लागत में 40-42% कोकिंग कोल का योगदान है। देश में कोल की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद ज़्यादा राख होने के कारण इस्पात बनाने में उपयुक्त नहीं है, जिस वजह से आवश्यकता का 85% से ज़्यादा कोकिंग कोल का आयात करना पड़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। कोकिंग कोल के खपत को कम करके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को इस्पात के उत्पादन में बढ़ाने पर विचार करने की ज़रूरत पर बल दिया गया है और भारत के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के इस्पात मंत्रालय के बीच 14 अक्टूबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और यह समझौता ज्ञापन इस्पात निर्माण के लिए धातु कर्म कोयला यानी कोकिंग कोल के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29 क के प्रावधानों के तहत होता है। दूसरा, इस धारा के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुक किसी भी दल को उसके गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग में आवेदन जमा करना होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 8 जनवरी 2022 को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए चुनावों की घोषणा की है और हाल ही में चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत राजनीतिक दलों की पंजीकरण अवधि के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के प्रावधानों के तहत होता है और इस धारा के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुक किसी भी दल को उसके गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग में आवेदन जमा करना होता है। यह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत होता है और जिसका निर्धारण आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए करता है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।